नमस्ते दोस्तों, ये है बीकानेर ईस्ट और यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट है जहाँ से कि पानी सारा जो एक्सेस वाटर है वो यहाँ पे रिलीज किया जाता है और इस प्रकार से एक आर्टिफिशियल वेटलैंड बन गया है। ये भी नापासर गाड़वाला रोड पे है और यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आए हुए हैं, जिसमें आज हम आपको ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल, शाही ईगल, एक्विला हेलिका, उसकी बात करेंगे, उसको दिखाएंगे आपको। यहाँ पे पानी पीती है ज़्यादातर, उसे वेटलैंड पसंद है और इसी प्रकार ये सारा हरियाली और पानी का ये पूरा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के साथ अगर आप देख पाएँ तो ये सूखा घास का वीरान, सूखा एरिड डेजर्ट है जहाँ पर कीकर के, जाल के, सलवाडोरा और खेजड़ी के, प्रोसोपिस के पौधे लगे हैं, जहाँ पर ये अपना आश्रय स्थल बनाते हैं और यहाँ पर रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये छोटा सा वेटलैंड है जहाँ पर खूब सारे पक्षी आए हुए हैं प्रवासी, और सर्दियों के जाते ही ये भी अपने आप विदा ले लेंगे। तो आज हम बात करेंगे ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल और उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक थैंक यू। अच्छा लगे तो ज़रूर अपने कमेंट देना और अपने कीमती कमेंट से लाभान्वित करना, मैं इसका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट, बीकानेर, वेस्टर्न राजस्थान से। और आज हम आपको एक बर्ड ऑफ प्रे, बहुत शानदार बर्ड ऑफ प्रे, ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल की बात को दिखाने वाले हैं। ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल जो है शिकारी पक्षियों से भी शिकार छीनकर खोस लेता है और यह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बलिष्ठ और चतुर तथा बहुत ही फुर्तीला ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल है। ईगल का अंदर बहुत सुंदर है, इसको शाही ईगल भी कहते हैं। ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल को स्थानीय भाषा में जुमीज या सालांगल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति का माइग्रेटरी बर्ड है जो सर्दियों में उत्तरी भारत व मध्य भारत में माइग्रेशन करने के लिए प्रवास के साथ आता है। ये एक बहुत बड़े आकार का पक्षी है और वयस्क वाज का शरीर गठीला, काला व भूरे इसके पंख होते हैं। गर्दन में सिर का रंग हल्का पीला व सुनहरा होता है और उस पर जैसे आयाल होते हैं। इसकी पूंछ का रंग सलेटी भूरा और कंधे के दोनों तरफ हल्के सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। इसका सिर बड़ा होता है और पंजे काफ़ी मजबूत और नाखून बहुत नुकीले और घुमावदार होते हैं। इसकी आँख का रंग भूरा, चोंच, पंजे व नाखून पीले रंग के होते हैं। ये प्रकृति में भोजन श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसी कारण दुनिया में काफ़ी देशों में इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इकोलॉजी के ये शीर्षतम शिखर पर पाया जाता है। ये शिकार छीनकर खाने में माहिर होता है। बड़ा शिकारी पक्षी है जो कई घंटों तक या किसी पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर या ज़मीन पर बैठे रहते हैं। पक्षी खुले खेतों में, क्षेत्रों में, घास फूस के मैदानों में या आसपास कुछ पेड़ हों, ऐसी जगह पर रहना पसंद करता है। आसमान में उड़ते शिकार को भी अचानक देखकर हमला कर देता है। ये मुख्यतः रेप्टिलियंस, स्क्रील, गिलहरी, खरगोश, छोटे पक्षियों को अपना शिकार बनाता है। ये खेतों के खरगोश व जहरीले सांपों को भी खा जाते हैं। बाज की प्रजाति का पक्षी ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल शिकारी पक्षियों से शिकार छीनकर खाने में भी बहुत माहिर और चतुर होता है। अन्य शिकारी पक्षियों से आसानी से इसका शिकार छीन लेता है। कभी कभी मानव पर भी हमला कर देता है। मानव जैसे इसके घोंसले के पास अगर ज़्यादा पहुँच जाता है और ये इसको खतरा महसूस होता है कि मेरे बच्चे या अंडे ले जाएगा, तो ये मानव के ऊपर भी हमला कर देते हैं। इस पक्षी में नर व मादा एक जैसे दिखते हैं। मादा आकार में नर से बड़ी होती है। नर व मादा इंपीरियल ईगल 4 वर्ष की आयु में जोड़ा बना लेते हैं। एक बार जोड़ा बनाने के बाद जीवन भर ये हमेशा साथ रहते हैं। इस पक्षी के प्रजनन काल का समय मार्च से मई तक होता है। ये पक्षी ज़्यादातर समय शांत रहते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन प्रजनन के समय इनकी काफ़ी आवाज़ें सुनाई देती हैं। पक्षी घोंसले बनाने के लिए ऐसे पेड़ों का चयन करते हैं जिसके आसपास कोई अन्य पेड़ नहीं होता और ये काफ़ी ऊंचाई पे होता है जहाँ पे मानव की आवाजाही कम रहती है। ये घोंसले की सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं। नर व मादा दोनों मिलकर घोंसला बनाते हैं और घोंसले का आकार काफ़ी बड़ा होता है जो मुख्यतः तिनकों से बनता है। पक्षी ये एक बार घोंसला बनाने के बाद बार बार अपना घोंसला वही इसको प्रयोग में लेने का हर संभव प्रयोग करते हैं। दोनों पक्षी मिलकर पुराने घोंसले को ठीक करते हैं और मादा पक्षी एक बार में 2 से 4 अंडे देती है। चूजे निकलने के बाद ये देखा जाता है कि बड़ा चूजा छोटे चूहे को नीचे गिराकर मार देता है। वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि इनकी इननेट बिहेवियर या नैसर्गिक प्रवृत्ति में अंतर्गत आता है और वे ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन व जगह के लिए करते हैं। चूजों के नर व मादा दोनों मिलकर पालते हैं। नर पक्षी भोजन लाता है और मादा पक्षी उसके टुकड़े करके चूजों को खिलाती है।
इनकी संख्या बहुत घट रही है। दुनिया के पक्षियों की संख्या लगातार इनमें कम हो रही है, इसी कारण से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, एंडेंजर्ड श्रेणी में। मानव गतिविधियों की संख्या के कारण इनकी संख्या घट रही है। इनकी आयु मुख्य रूप से 21 से 45 वर्ष तक होती है। IUCN के अंदर इसे रेड एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, ये छोटा सा सुंदर पक्षी, बलिष्ठ, शक्तिशाली, चतुर, चीते की तरह चतुर और बाज और बाघ की तरह सुंदर दिखाई देने वाला ईस्टर्न इंपीरियल ईगल, शाही गरुड़ या शाही इंपीरियल पक्षी बीकानेर आया हुआ है वेस्टर्न थार डेजर्ट में। थैंक यू फ्रेंड, आशा करता हूँ छोटा सा प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना, जिसका कि मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल अपना प्रवास का दौरान, सर्दी का प्रवास इंडिया में बिताती है ज़्यादातर, और ये सूखे डेजर्ट में, प्लेन मैदानों में, वेटलैंड एरिया को प्रीफर करती है, और खेती के जहाँ खेत हों उधर भी ये अपने उसके इसका पसंदीदा स्थल होते हैं जहाँ ये विंटरिंग करती है। डाइट की अगर बात करें तो इस छोटे स्मॉल मैमल्स जैसे ग्राउंड स्क्रील, मैमरॉट, जर्बिल्स, हेमस्टर, छोटे हेयर्स, खरगोश, रेप्टिलियंस इंक्लूडिंग टॉर्टाइज, इंसेक्ट और छोटे बर्ड जैसे गूज, डक्स, क्रोज, पिजन, गेम बर्ड और इवन फ्लेमिंगो भी इसको मारते हुए देखा हुआ है। हंटिंग जो है वह प्रक्रिया नर मादा दोनों मिलकर करते हैं और दोनों एक साथ घेर के इसको मार लेते हैं, और कभी कभी ये अपना खाना दूसरों से चुरा लेते हैं, छीन कर भी खाते हैं, छीन कर खाने की माहिर होते हैं, इसलिए इनको क्लेप्टो पैरासिटिज्म कहते हैं। इस घटना को क्लेप्टो पैरासिटिज्म कहते हैं, और मुख्य रूप से ये रोडेंट को पकड़ने के लिए, चूहों को, जर्बिल को, जीड को पकड़ने के लिए उनके बिलों के आगे घात लगा के बैठे रहती है, जैसे निकलता है वो पकड़ लेते हैं इसको और वो खा जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ईस्टर्न इंपीरियल ईगल लाइफ में एक बार अपना साथी चुनता है और जिंदगी भर उसके साथ रहता है, और ब्रीडिंग सीजन इसका फरवरी से जुलाई के बीच होता है। ये अपना बड़ा नेस्ट बनाते हैं जो 10-10 से 20 मीटर पेड़ के ऊपर बनाते हैं, ऊंचाई पे 8 से 70 सेंटीमीटर ये गहरा होता है, और 1 से 1.5 मीटर वगैरह ये गुलाई का इसकी परिधि होती है। एक बार में 1 से 4 अंडे देते हैं, और अंडों में से 43 से 52 दिन में इनकी जो हैचिंग होती है, दोनों पैरेंट मिलकर हैचिंग करते हैं, और एक बच्चा जो पहले निकलता है दूसरे बच्चों को घोंसले से गिरा के मार देता है। इसे सिबली साइड पैटर्न कहते हैं, यानी निज़्म कहते हैं अपने ही अपना, और फिर इसके बाद 63 से 77 दिन बाद ये उड़ना सीखना चालू कर देते हैं बच्चे इनके, 160 दिनों के अंदर ये हंटिंग भी शुरू कर देते हैं। कंजर्वेशन की अगर बात करें तो ईस्टर्न इंपीरियल ईगल को अनेक सारे थ्रेट मिल रहे हैं, जिनमें एक तो इनका हैबिटेट का लॉस हो जाना, जगह ही नहीं बचना, नेस्ट रोबिंग, इनका घोंसले दूसरे पक्षी चुरा लेते हैं, शूटिंग से मार देते हैं इनको, जहर दे देते हैं, इलीगल ट्रेडिंग कर रहे हैं इनको पकड़ के बेच लेते हैं, बिजली के करंट लगने से भी ये मर जाते हैं पावर लाइन के अंदर, इससे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है।